हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट रसमलाई। तो स्वागत करती हूँ आपका माधवीज किचन में। आज हम बनाएंगे ये सॉफ्ट स्पंजी और जूसी रसमलाई जो सबको काफ़ी पसंद आती है, बहुत ही टेस्टी बनती है घर पर। त्योहारों पर घर की बनी मिठाइयों की तो बात ही कुछ और होती है, तो मार्केट से लाने के बजाय क्यों ना आज हम ये रसमलाई घर पर बनाएं, और वो भी बिल्कुल आसान से स्टेप्स में, बहुत ही आसानी से। केवल दो बेसिक चीज़ों से हम ये रसमलाई बना सकते हैं, बहुत ही इजी है रेसिपी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही जो बेल आइकन है उसे दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए झटपट स्टार्ट करते हैं बनाना रसमलाई। तो रसमलाई बनाने के लिए पहला स्टेप है कि हम बनाएंगे छेना। तो छेना बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 लीटर टोंड मिल्क। ये प्लेन मिल्क है, हमें फुल क्रीम मिल्क नहीं लेना है। छेना बनाने के लिए हम प्लेन मिल्क लेंगे। तो यहाँ मैंने पैकेट वाला मिल्क ही लिया है, अगर आपके पास गाय का दूध है तो वो भी ले सकते हैं। दूध को अब उबालने के लिए रखेंगे। ये देखिए, दूध में उबाल आ चुका है। तो अब हम दूध को फाड़ने के लिए डालेंगे इसमें विनेगर। 1-1 चम्मच विनेगर हम डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने 1 चम्मच विनेगर यहाँ डाला है, और इसे हम धीरे धीरे चलाएंगे। फ्लेम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। आप दूध को फाड़ने के लिए नींबू का जूस भी ले सकते हैं। हम 1-1 चम्मच विनेगर इसमें डालते जाएंगे, एक साथ हमें ज़्यादा विनेगर नहीं डालना है। तो ये देखिए, हमारा जो दूध है ये फटने लगा है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी तरह से फटा नहीं है, तो हम इसमें और विनेगर डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच और विनेगर डाल दिया है, और इसे फिर से धीरे धीरे चलाएंगे। इसे हमें एकदम स्लोली चलाना है, और इसमें मैं 1 चम्मच विनेगर डाल रही हूँ। इसे फिर से एक बार चलाएंगे धीरे धीरे। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं दूध हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से फट गया है। ये देखिए, छेना अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से दूध हमारा फट गया है। तो इसमें टोटल मुझे 4 चम्मच विनेगर लगा है 1 लीटर दूध को फाड़ने के लिए। अब हम गैस ऑफ कर देंगे, और अब हम छेने को छान लेंगे, इसका पानी अलग कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक बड़े बर्तन पर इस तरह से छन्नी रख ली है, और उसमें हम इस तरह का एक कॉटन का कपड़ा डालेंगे। ये कॉटन का कपड़ा पतला होना चाहिए, इसमें हम इस तरह से अब हम छेने को डालेंगे। ये देखिए, छेने का पानी अलग हो गया है। अब हम इस छेना को थोड़ा सा ठंडा पानी से वॉश कर लेंगे, ताकि इसमें जो विनेगर का स्मेल है वो चला जाए। 2-3 बार इसे ठंडे पानी से इस तरह से वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए, छेना हमारा अच्छे से वॉश हो चुका है। अब हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और एक पोटली बना लेंगे इसकी। अब हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके, और जो एक्स्ट्रा पानी है छेने का वो निकाल लेंगे इस तरह से। इसे घुमाकर, छेने को निचोड़ कर, इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है निकाल लेंगे, और इसे कहीं हम हैंग कर देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से निकल जाए। 1 से 1.5 घंटे के बाद ये छेना हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल चुका है, और छेना कुछ इस तरह का हो गया है हमारा। ये हमारा जो छेना है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये ना ज़्यादा ड्राई है और ना ज़्यादा गीला है, ये बिल्कुल परफेक्ट मॉइस्ट छेना है। सही छेना हमें चाहिए रसगुल्ले बनाने के लिए, हमें इसी तरह का छेना चाहिए। तो इसे हम हाथों से क्रम्बल कर लेंगे थोड़ा सा। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हम यहाँ डालेंगे छेने को बाइंड करने के लिए, और छेने में कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हथेलियों से हम इस तरह से छेने को मसलते हुए स्मूथ डो बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से छेने को दबाते हुए हथेलियों से हमें स्मूथ बनाना है, ताकि इसके जो बड़े बड़े दाने हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हो जाए और एकदम स्मूथ डो बन जाए। जितना अच्छे से हम छेने को मसलेंगे उतनी ही सॉफ्ट हमारी रसमलाई बनेगी। तो ये देखिए, करीब 5 मिनट इस तरह से मसलने के बाद ये देखिए हाथों में चिकनाई सी आने लगी है, तो हमारा बिल्कुल स्मूथ बन गया है। अब हम एक छोटा सा पोर्शन लेके इसे हथेलियों के बीच में इस तरह से घुमाकर बॉल बनाएंगे। ये देखिए, बॉल भी बिल्कुल स्मूथ है, कोई क्रैक नहीं है, इसका मतलब डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो अब हम डो को डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पोर्शंस में। मैं यहाँ डो को
10 पोर्शन में डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहें तो बड़ा या छोटा, जिस तरह से आपको रसमलाई बनानी है उतने साइज का पोर्शन आप ले सकते हैं। अब एक पोर्शन को हथेलियों के बीच में इस तरह से रोल करके हम बॉल बनाएंगे और बॉल को हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरह से, ताकि ये पेड़े के शेप का बन जाए। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ बॉल बना है, कोई क्रैक नहीं है इसमें, इसका मतलब हमारा जो डो है बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो इसी तरह से हम चने की सारी टिक्कियां बनाकर रेडी कर लेंगे। चने की सारी टिक्कियां हमारी रेडी है, अभी से ढककर हम साइड में रखेंगे और अब हम इसके लिए चीनी की चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है एक छोटा कप चीनी और उसी कप से नापकर 3 कप पानी मैंने उसमें डाल दिया है। ये चीनी मैंने ली है यहाँ पर, ये वेट में 150 ग्राम चीनी है। अब हम गैस ऑन कर देंगे और इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए एक इलायची और चाशनी को हम इस तरह से चलाते हुए उबालेंगे। ये देखिए चाशनी में उबाल आ चुका है और चीनी भी सारी डिजॉल्व हो चुकी है। तो अब हम इसमें एक एक करके सारे चने की टिक्कियां हम इसमें डाल देंगे। ये जो पैन है ये हम थोड़ा बड़ा लेंगे, क्योंकि जो चने की ये टिक्कियां हैं ये उबलने के बाद और भी बड़ी हो जाएंगी फूल कर, तो इन्हें फूलने के लिए स्पेस चाहिए, तो हम थोड़ा बड़ा बर्तन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे 10 मिनट के लिए। फ्लेम हम मीडियम कर देंगे ताकि जो ये चाशनी है इसमें उबाल बना रहे। ये देखिए 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये जो टिक्कियां हैं ये काफी बड़ी बड़ी हो गई हैं फूल कर, देख सकते हैं आप। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो छेने की टिक्कियां हैं इन्हें हम पलट देंगे इस तरह से। ये देखिए, और अब हम इसे वापस ढक देंगे और 10 मिनट के लिए इसे फिर से कुक करेंगे। इसमें हम आधा कप पानी और ऐड कर देंगे ताकि ये जो चाशनी है ये उबलते उबलते गाढ़ी हो गई है, तो इसे पतला करने के लिए हम आधा कप पानी और ऐड कर देंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद जो छेने की टिक्कियां हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। अब हम छेने की टिक्कियों को डालने के लिए दूध गाढ़ा करेंगे। तो दूध यहाँ पर मैंने आधा लीटर लिया है एक पैन में, और इसे हम गरम करेंगे। इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी और इसे हम हाई फ्लेम पर उबलने के लिए रखेंगे और इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। और इसमें डाल देंगे कुछ केसर के धागे, अगर आपके पास केसर के धागे नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। केसर के धागे डालने से इसमें थोड़ा सा हल्का सा कलर आ जाता है और फ्लेवर आ जाता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने आलमंड और पिस्ता लिया है, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए जो दूध है उसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर गाढ़ा होने देंगे। ये देखिए दूध हमारा गाढ़ा होकर आधा हो चुका है, तो ये हमारा दूध रेडी है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा दूध रेडी है। ये देखिए हमारी जो छेने की टिक्कियां है वो भी ठंडी होकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए टिक्कियों ने काफी अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब किया है, बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट टिक्की बनी है। ये देखिए इसी तरीके से आप रसगुल्ला भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और स्पंजी रसगुल्ला बनता है इस तरह से। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, टिक्कियों को इस तरह से दबाकर इसकी सारी चाशनी हम निकाल लेंगे। हल्के हाथों से दबाना है, ज्यादा जोर से नहीं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, ज्यादा जोर से दबाने से ये टूट जाएगी। तो हल्के हाथों से दबाकर इसकी चाशनी को हम निकाल लेंगे और इस टिक्कियों को हम डालेंगे जो दूध हमने गाढ़ा करके रखा था उसमें। तो एक एक करके हम सारी टिक्कियों को दूध में डाल देंगे। तो ये सारी टिक्कियों को मैंने दूध में डाल दिया है। अब इसे हम दूध में सोख होने देंगे और इसे हम फ्रिज में रख देंगे करीब 1 घंटे के लिए। इस मलाई ठंडी अच्छी लगती है, तो इसे फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए हम। और जब रसमलाई
ठंडी हो जाए तो हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल और टेस्टी रसमलाई हमारी बनकर रेडी हो गई है। इसे हम गार्निश कर देंगे कुछ चॉप किए हुए आलमंड और पिस्ता से। ये देखिए मैं आपको एक रसमलाई कट करके दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट पंजी और जूसी रसमलाई बनकर रेडी हुई है। आपको ये रेसिपी 100% पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं मेरी ऐसी एक आसान सी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।